भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, कान बंद आंख बंद, सांस भर के नाक बंद करके मुंह से बाहर निकालो। अब वो जो कसरत कर रहे हैं उसको करेंगे। हरिओम हरिओम, थैंक यू। हरिओम हरिओम। अच्छा एक बात समझानी है, जो भी हम कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या जो भी ध्यान जो सिस्टम से हम कर रहे हैं ना, ये सिस्टम से आपके इंटरनल आत्मशक्ति का बढ़ना होगा ही होगा, क्योंकि इस प्रकार से के ध्यान के कारण आपका कहीं से भी बाहर से कांटेक्ट नहीं रहता है ना, आपकी स्मृति में कोई बाहर की चीज आ रही है ना, आपकी सोच में कुछ आ रही है या कुछ भी आ रहा है। तो जो अभी हम जो अगले क्लास में जाएंगे ना, जो लेशिया और जो कर्म का लगना है, जो हमारी ऑरा की पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, ये सारी चीज आपको ये ध्यान से मिल रही है, आप उसको फील करोगे। लास्ट टाइम मैंने कसरत बताई थी, किसी ने की है? आप आज ऐसे हाथ रखो, सब लोग रखिए प्लीज। देखो आपको थोड़ी देर में, एक मिनट के अंदर ही आपको ये हाथ से दूसरे हाथ में वाइब्रेशन जाता हुआ फील होगा। हो रहा है मम्मा या नहीं बेटा? हो रहा है? थाई छे फील थाई छे अहीं थी। हवे थोड़ो थोड़ो खसेड़ो, जरा जरा खसेड़ो। કેટલે દૂર સુધી ફીલ થાય છે મને જરા જવાબ આપો। બે
जितना दूर होता है तो भी होता है। कितने दूर तक होता है आप अपनी रेंज को ढूंढ लो, आप अपनी रेंज को ढूंढ लो कहाँ तक होता है। मिल रहा है सबको? नहीं, होता जा रहा है ये तो फीलिंग तो। पर मिल रहा है, दोनों एक दूसरे के हाथ से टच हो रहा है। बस आपको यही समझाती हूँ, ये जो दायरा बढ़ रहा है ना, आप जितना बढ़ाओगे ना, अगर इतना बड़ा है तो आपकी ऑरा उतनी आसपास की आपके बॉडी को जो ऑरा कवर कर रही है ना वो ज्यादा है। जितनी ज्यादा आपके आत्मशक्ति बढ़ेगी ना, हमारा विल पावर, हमारी आत्मशक्ति अंदर से जितना ज्यादा क्लीन होगा ना, उतना आपका ऑरा का कवरेज बढ़ता जाएगा। ये बहुत यही पॉजिटिविटी है जो आपके शरीर से बाहर निकल रही है। आप ये जो एक हाथ से ऊर्जा दूसरे हाथ में टच हो रही है, नजदीक तो होगी होगी, जितनी दूर ज्यादा मान लो यहाँ पे टच हो रही है तो समझ लो कि आपके बॉडी की अंदर पूरी क्लीननेस ज्यादा हो रही है। क्लीन ज्यादा हो रहा है, यही ऑरा है जो इसका आप उपयोग अपने शरीर के कोई भी अंग के ऊपर ऐसा रख के बाद में करोगे ना, तो आपका अगर घुटना दुख रहा है तो वहां पे पेन कम हो जाएगा, यहाँ पे रख दिया, कान पे रख दिया तो कान का पेन कम हो जाएगा। लेकिन आपको ये प्रक्रिया में नहीं जाना है। क्यों पता है? क्योंकि हमें हमारा विल पावर बढ़ाना है। हम जो ताकत ब्रह्मांड से ले रहे ना वो हमारी आत्मा की क्लीनिंग के लिए ही उपयोग करेंगे, हमारे ये शरीर के लिए उपयोग नहीं करेंगे। समझे आप? समझे? यही यही सारा तरीका है। ये रेकी वेकी कुछ नहीं है, रेकी यही है। ब्रह्मांड से ऊर्जा लो और हमारे शरीर में जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लीन करो। आपको इसका उपयोग शरीर की नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए नहीं करना है, लेकिन हमारे अंदर से जो ये चक्र से लेके नाभि तक का पूरा जो आत्मा का स्ट्रक्चर है, जो सात चक्रों के बीच में है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर जितने भी कर्म, जितना भी बुरा स्वभाव, जितना भी लेपा हुआ है ना, उसको निकालने के लिए हमको करना है। ठीक है? तो हाँ, बस मुझे यही समझाना है। जैसे जैसे ये आगे कर्म की बात बढ़ती जाएगी ना, ऐसे हम जो ध्यान की प्रक्रिया कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, बाकी सब लोगों से ये बिल्कुल अलग है। और ये आपको कहाँ सपोर्ट करती है उसका पता चलेगा। आप ऑरा चेक करते जाओ और ये देखते जाओ कि कहाँ तक बढ़ती है ये ध्यान। जैन धर्म में पूरा आ रहा है, यही समझ रहे हैं, जो हमारा परिवार भी यही धर्मिक है। हाँ, वो जैन, आप एक बात समझ लो, एक बात ये पहले तो दिमाग में ये डाल दो, ये कर्म की पद्धति कोई जैन धर्म की मालिकी नहीं है, और ना ही कोई भी नहीं। हाँ, बस ना ही ये हिंदू धर्म की मालिकी है, ना ही ये सिख धर्म की मालिकी। बस तो अपने जो भी है सबके लागू होते हैं। बस बस हम सिर्फ कर्म की प्रकृति जानेंगे, उसकी सिस्टम को जानेंगे और अपनी आत्मा को बचाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। बस हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है? और ये आपका क्लास कब का होता है? हमारा क्लास तो एवरी ये ट्यूसडे भी है, मंगल गुरु और शनि तीनों दिन, ये तीन से चार का टाइम है अभी। और आप मंगल गुरु शनि और इसके आगे प्रवीण भाई ने बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत हुए हैं। आप वो वीडियो रिकॉर्डिंग पे जाओगे तो आपको आगे का क्या क्या हुआ वो भी मालूम पड़ जाएगा। ठीक है? मेरी बात क्लियर हो रही है ना? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ हाँ हाँ, वांधो नहीं।
बोलो ठीक छे, कोई प्रश्न छे के कई शू मैटर छे कोई? हाँ, आपने तो जे स्वभाव, जो स्वभाव मेरा बन चुका है ना इस जन्म में, जो बन चुका है वो ही स्वभाव लेके मैं अगले जन्म में जाऊंगी। जैसे मैंने बोला कि अगर बात बात पे मुझे किसी को थप्पड़ मारने की आदत है, बात बात पे किसी के दांत तोड़ने की आदत है, किसी के चेहरे से खून निकालने की आदत है, तो मैं ऐसी जगह जाऊंगी जहां पे मुझे कोई भी चीज हथियार का उपयोग किए बिना मैं सामने वाले के दांत तोड़ पाऊं। आप समझ रहे हो? क्योंकि ये मेरा स्वभाव बन चुका है। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई खजाना मैंने कहीं पे गाड़ दिया है, मैंने ये सोचा कि ये मेरे बच्चों को भी ना मिले, ना मेरे कोई फैमिली वाला उसको भोगे, और सारा पैसा पहले के जमाने में जमीन के नीचे दाट देते थे आपको मालूम हो तो, और आज आपको जहां पे सर्प ज्यादा घूमता हुआ मिलता है ना, तो हम बोलते हैं कि ये नीचे जरूर कोई ना कोई खजाना गाड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो इंसान उसको पता है मैंने गाड़ा है, तो मेरी आत्मा जानती है कि यहाँ पे खजाना है। अब दूसरे जन्म में अगर मैं इंसान बन के आऊंगी तो मुझे याद तो रहेगा नहीं। अब उसको मुझे संभालने के लिए तो मुझे सर्प ही बनना पड़ेगा, और सर्प भी ऐसा कि जो एक सेकंड में डंक मार के सामने वाले को मैं मार दू, गिरा दू, वो मर जाए। जैसे ही मैं एक डंक मारू वो मर जाए। आप बनके भी तो ऐसे ही आओगे ना, क्योंकि आपकी सोच ये है कि यहाँ पे जो धन गाड़ा है वो मेरी फैमिली में से या किसी को भी मिलना नहीं चाहिए। तो जो स्वभाव मैं ये जन्म में बना दूंगी, मेरा लास्ट एंड खत्म होगा जब, तब मेरा जो स्वभाव की जो क्वालिटी होगी वो ही क्वालिटी लेके मैं अगले जन्म में जाऊंगी। और अगर मुझे ये बदलना है तो हमारी पूरी अब तक का सीखा हुआ यही काम आएगा कि मैं जो भी कर्म सामने आए उसको मैं सम करती जाऊं, उसको मैं नॉर्मल करती जाऊं। ऐसा नॉर्मल, मेरे को कर्म से भागना नहीं है, मैं उस कर्म से भागूंगी नहीं, मैं ये इच्छा नहीं करूंगी कि मुझे कुछ, जो भी मेरे मन में कुछ जागे या मेरे सामने आए उसको मैं दबाऊं, या ये बोल दूं कि ये मैंने बाधा ले ली मेरे सामने आएगा तो भी मैंने 5 साल की बाधा ली, इसका मतलब जब 5 साल खत्म होगा तब वो चीज पे मैं टूट पड़ूंगी। बोलो हाँ या ना? हाँ, बस। तो मुझे ऐसी बाधा नहीं लेनी है, लेकिन मुझे ऐसी बाधा लेनी है कि अगर मुझे मिल गया तो मैं भोगूंगी, और अगर नहीं मिला तो मैं इस चीज के पीछे जाऊंगी नहीं। तो मैंने मेरी इच्छा को खत्म किया, कम किया और खत्म किया। मैंने ये सोचा कि मुझे इच्छा नहीं करनी, लेकिन अगर सामने कोई, मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ, अगर कहीं बच्चे बोले कि चलो मम्मी हम लोग ट्रिप करेंगे, फॉरेन घूमने जाएंगे 1 महीने के लिए, तो ये तुम्हारे ये सारे कपड़े नहीं चलेंगे, थोड़े फैंसी कपड़े ले लो, तो मुझे ये जवाब देना है तुम लोग आओ मेरे साथ और तुमको जो ठीक लगे वो मुझे दिलाओ। समझ रहे हो बात को? क्योंकि यही प्रकृति है, हम लोग प्रकृति में है, हम लोग ना विकृति में है और ना ही संस्कृति में, संस्कृति में भी नहीं है कि भाई अभी ये धर्मगुरु हो गए हैं, अब धर्मगुरु जीन्स पहन के घूमेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। आज जो भी आपके जो भी जो संत महात्मा है, जो भी जगत गुरु है, क्यों वो अपने कपड़े में क्यों रहते हैं? उनका एक ओरिजिनल अलग ट्रेंड होता है ना, वो ट्रेडिशनल कपड़े में ही मिलेंगे आपको। जितने भी जगत गुरु है, जितने भी शंकराचार्य है, या जितने भी हमारे जो गच्छाधिपति या साधु महात्मा है, जैनों के साधु है, मॉन्क है, वो सारे अपने एक ट्रेडिशनल कपड़े में मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने वो संस्कृति के एरिया में चढ़ गए, वो एकदम टॉप में चढ़ गए, हमसे तो थोड़े ऊंची पहुंच गए। हम लोग मध्यम में है, तो हमें वो अपना प्रकृति का स्वभाव नहीं छोड़ना है। अगर हम मंदिर में गए तो हम भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो जाएंगे, और अगर कहीं बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में पड़े तब हम कुछ नहीं याद करेंगे, तब बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। ऐसा तो हो सकता है ना? ठीक है, उसको ही हम प्रकृति के स्वभाव पे जाएंगे। अब हम अपने जो 6 प्रकार के जो स्वभाव होते हैं, जो स्वभाव की वजह से हमारे ऊपर कर्मों को लेपने की ताकत रखते, उसको हम अगले क्लास में समझेंगे। बराबर?
ठीक है। तो अब देखिए ये कला जी, आप आज नए आए हो बराबर? हाँ, तो कोई बात नहीं, आप आगे के वीडियो से समझ जाओगे। और अगर लगे आपको कि ये आपका ये टॉपिक आप जिसके साथ डिस्कस करो उनको किसी को अच्छा लगता है तो आप उनको भी कह सकते हो कि हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। हाँ जी, हाँ, रिकॉर्डिंग तो आगे मैं आपको एक लिंक भेजूंगी ना, तो आपको बाकी सारा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे और ये प्रवीण भाई के जो जूम के है उससे भी आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, मैं भेज दूंगी आपके नंबर पे भेज दूंगी। आपको ये जहां से आईडी मिला है वहां पर आपका मैसेज और नाम आप मैसेज कर दीजिए, अपना नाम और नंबर मैसेज कर दीजिए, मैं ग्रुप में ले लेती हूँ आपको। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर जरूर मिलेंगे, अगले क्लास में जरूर मिलेंगे। ठीक है, हा हा, यूट्यूब पर पण छे डॉक्टर बिंदु शाह करीने, એમાં તમને 15-20 મિનિટ નો એક એક એપિસોડ મળશે અને પ્રવીણભાઈ નો જે એપિસોડ છે એ 1 કલાક કન્ટિન્યુ મળશે ઝૂમ ઉપરના જ। હા જી, હા, એ 1-1 કલાક ની મળશે, એ તમને કન્ટિન્યુ મળશે 1 કલાક ના। હું તમને બંને લિંક મોકલાવી દઉં છું, મંગળ ગુરુ અને શનિ, ઓકે, મંગળ ગુરુ અને શનિ, અને તમારો નંબર એ ઉષાબેનને કહો કે મને મેસેજ કરી દે તો હું તમારો નંબર ગ્રુપમાં નાખી દઉં છું એટલે તમને ડાયરેક્ટ મેસેજ મળશે। ઓકે, હા, ઓકે ઓકે।